अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वैसे तो मैं सुबह सुबह ये अपना व्लॉग जो है बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है शाम का ये बन रहा है। अभी मेरी सिस्टर इन लॉ का बाजी का मुझे फ़ोन आया था, हादिया की अम्मा का, कि क्या कर रहे हो। मैं कहा कुछ नहीं कर रहे, बोर हो रहे हैं, क्या करना है। तो कहती हैं हम आ जाए। मैं कहा सो बिस्मिल्ला आ जाए। तो मैंने खाना भी नहीं बनाया हुआ, दिल ही नहीं था कर रहा कुछ खाना बनाने का। तो अभी जो है मैंने फूड बाहर से ऑर्डर किया है। तो पहले तो हम जो है ना नॉर्मल आराम से बैठे हुए थे, अब ज़रा थोड़ा सा ना अपने आप को चेयर अप करने के लिए ना तो तैयार श्यार हुए हैं, फूड ऑर्डर किया है। अब अब्बा जी आएंगी तो उनके साथ मिलके जो है हम डिनर करेंगे, थोड़ा सा बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यहाँ पे जो है परदेश में ज़िंदगी यही है, घर में बैठे रहो, बाहर भी चले जाएँ तो कितना का घूम फिर लेंगे, या कितना का जो है बाहर भी जाएंगे, पैसे ही लग रहे हैं ना। तो जी जब हीना बाजी के घर हम गए थे, बड़ी वहाँ पे रौनक और बड़ा, मैं कहती हूँ फ्रेश होके हम वापस आए, लेकिन एक दो दिन ही फ्रेश रहे, उसके बाद मैं कहती हूँ फिर वही बोरियत और समझ नहीं लग रही अब क्या करें। एक तो मौसम भी यहाँ पे ऐसा है कि आप फ़ौरन जो है डिप्रेस हो जाते हो, और दूसरा अकेलापन। तो अच्छा है यहाँ पे फैमिली है, उनकी तरफ चले गई या वो हमारी तरफ आ गए तो थोड़ा सा जो है अच्छा वक्त गुजर जाता है। बाहर भी अगर हम जाएँ शॉपिंग कर लें, कितनी की शॉपिंग कर लेंगे, पैसे खर्च करने हैं ना, तो उससे अच्छा है कि अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजार। तो आजकल जो है ऐनक मुझे लगानी पड़ रही है, लेंस जो है वो मेरे वो जो 3 मंथ्स के थे वो एक्सपायर हो गए हैं। अब मैंने दोबारा अपनी प्रिस्क्रिप्शन करवाई है, तो वो जो है वेनसडे को मुझे मिलने थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा ना। उन्होंने मैसेज करके बताया कि आपकी जो है प्रिस्क्रिप्शन लेंस की रेडी है, तो आके पिक कर लें। तो अब जो है नेक्स्ट वीक जाऊँगी तो जाके अपने लेंस लूँगी, तो आंखों में लगाऊंगी, तो इस ऐनक से जो है ना थोड़ा सा ब्रेक लूँगी मैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जगह दो चाची को, चलो जा रहे हैं जी फूड लेने। ये मुस्तफा, आई एम गुड, हाउ आर यू? या आई एम गुड। वालेकुम सलाम। हादिया कैसी है, ठीक है? यस। तो जी मैं और मुस्तफा हम दोनों जा रहे हैं फूड लेने, बाकी की आवाम बैठी हुई है कार में, और हम लेंगे आज का मजेदार खाना खैबर से। तो यहाँ पे आ गए हैं जी हम खैबर पास पे, यहाँ से लेंगे 2 पोर्शन चपली कबाब, 4 रोगनी नान और 2 पोर्शन चिकन टिक्का। हाँ तो ये है जी फूड हमारा, फूड करेंगे हम पिक और यहाँ से जाएंगे घर। मिला फूड, चलो ये मुझे पकड़ा। चलो आ जाओ। स्लीपर्स पहन लो हादिया, और नंगे पांव जाओ वे पहनो। ओके, हाँ गुड गर्ल हादिया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 इधर ही रहने दो, हाँ हाँ इधर ही रहने दो, सारा कुछ इधर ही जो ना आराम से। ये देखें जी रोन के, रोन के ये इसमें जी ये है चपली कबाब और चिकन टिक्का, बस सिंपल सादा फूड। मम्मी बना के लेके आई हैं ये पास्ता, रबिया खाएगी ये पास्ता, उसको यही पसंद है तो रबिया खाएगी ये, और बाकी हम सब खाएंगे चपली कबाब विद नान। तो ये है जी मेरी प्लेट, हाफ चपली कबाब, थोड़ा सा सैलड चटनी और हाफ नान। बड़ा मज़े का था, बड़ा जो है ना फूड सबने एंजॉय किया। और यहाँ पर रबिया मैडम कर रही है खाने के बाद एक्सरसाइज, और अदीन और मुस्तफ़ा यहाँ पे रोब्लॉक्स की जो है दोनों गेम वो प्ले कर रहे थे, अपनी एंजॉय कर रहे थे बच्चे। ये क्या हो रहा है इधर? We're having girly time. Assalamu alaikum. ये क्या कर रही हो? Well, this is our secret hideout. चलो जी. Allah Hafiz. क्या कहता है मम्मी को आपने? तुसी ना जाओ, हम जा रहे हैं। I'd rather stay here and watch TV the whole time. अच्छा? Yeah. टीवी देखने के लिए चाची कल हो गई। ठीक है हादिया। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे जो है अब दाल भी भिगो के रखी हुई है, मूंगी की दाल और माश की दाल भल्लों के लिए। तो बस असी खाने की पकाने ने खाना पकाने का सोचती हूँ तो समझ नहीं लगती कि आज क्या पकाऊँ, क्योंकि साड़ी जिंदगी में यही रह गए ने भल्ले बनाइए तो बार्स बनाइए, बस यही 2 कम ने।
तो जी यहाँ पे ये देख लें बार्स, 10-10 किन की गिनती करके तो इनको कंटेनर्स में जो है मैंने सेट करके रख दिया। बस ज़रा किसी दिन हिम्मत जान करके तो इनको भी पोस्ट कर दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लासगो में इतनी ज़्यादा सर्दी है तो इसलिए जो है इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर ही मैंने रखा हुआ है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो फिर इनको फ्रिज में मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मंडे भी बैंक हॉलीडे है, क्योंकि बादशाह सलामत जो हैं जी नवे बन गए हैं, तो बस उसकी खुशी में इन्होंने मंडे छुट्टी कर दी है। हम जैसी आवाम पे इन्होंने एहसान कर दिया है कि चलो तुसी एक दिन और आराम कर लो, क्योंकि काम भी करना फिर घर का भी काम करना थोड़ा सा ना, मैं जैसे नहीं मैं थक जाती हूँ, मेरा फिर दिल ही नहीं करता कुछ खाना बनाने का। यही दिल करता है आलू वाले पराठे बना लो या एक दो दिन अच्छा खाना जैसे बना के, तो वही अगले दिन भी चलो यही चला लेते हैं। तो जो आज जो है मैंने कुछ नहीं था बनाया, तो आज थोड़ा सा जो है बाहर से मंगवाया था उसमें से भी थोड़ा सा बच गया, जो अब हम कल दोपहर में खाएंगे। फिर मैं कहीं प्रोग्राम बनाऊंगी, बच्चों को लेके जाएंगे, फिर घर के काम भी करने हैं। बस मैं कहती हूँ डे ऑफ होए, और डे ऑफ में भी हमारी यही रूटीन है, काम पर नहीं जाना लेकिन घर के काम करने हैं और बाहर शॉपिंग करने जाना है। देख लो जी हमारे जो ऊपर रहते हैं वो अपना किचन जो है वो ठीक करवा रहे हैं, तो प्लम्बर आया है, तो प्लम्बर ने पता नहीं क्या किया है, वो हमारे यहाँ पे पानी गिरना शुरू हो गया नीचे। अब मैं जाके उसको ऊपर कह के आई हूँ, तो उसने कहा कि फ्यू आवर्स लगेंगे, तो ज़्यादा वर्स है। मैंने कहा नहीं ज़्यादा वर्स तो नहीं है, लेकिन जो है ड्रॉप ड्रॉप गिर रहे हैं, तो अब देखें ये कब तक ठीक होता है। आज आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने गई ना, तो वहाँ पर रबिया की फ्रेंड की मम भी आती है, तो एक जो है उसकी फ्रेंड और उसकी फैमिली पूरी वो पाकिस्तान गए हुए हैं, तो उसने मुझे कहा, मैं कहती है कि सिद्रा का कोई मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा वो पाकिस्तान गई हुई है। मैंने कहा यहाँ से हम जैसे भागते हैं ना, जो हमें खुशी होती है अपनों को मिलने की, अपने मुल्क जाने की, वो हम बस परदेसी ही उसमें से जो है ना गुजरते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो वो भी कहती है हाँ, कहती है ये जो परदेस है ना, ये एक मीठी कैद है, कि जो हमें खुशी अपने माँ बाप के घर जाके मिलती है, जो हम अपने मुल्क जाके जैसा हमें एक सुकून सा महसूस होता है, उसके लिए हम यहाँ पे जो है ना बेताब होते हैं कि कब टाइम आएगा, कब हम जाएंगे। तो ये जो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे प्यारे हमारे साथ हैं यहाँ पे, वरना अकेले यहाँ पर देश में रहना बहुत मुश्किल है। मिनट्स हो जाएंगे ना, जब आप बाथरूम जाओगे, टीथ ब्रश करोगे, कपड़े चेंज करोगे, पजामा सूट पहनोगे, आपको 5 मिनट्स हो जाएंगे। लेट हो गया, वीकेंड है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि लेट नाइट जो है अब पार्टी होएगी। Okay, fine, not 5 more minutes. 10 more minutes. थी ना लेट आफ्टरनून में मामा के साथ, आपने नहीं सोना अब? Yeah, let's go to sleep. हाँ, टाइट है ना मेरी बेटी? Because my head's hurting. मास्क के जाओ, चलो ब्रश टीथ करो, देन बेड टाइम, ठीक है? Hedin istinatı mustakil sıratı ve zinanta ilahim benim olmak için ilahim ve duali amin ismala erhman erhim rabbek erhama rabbek rabbek la şirika lakala rabbek min alhamda ve nimata kumumuk la şirika lak अल्हम्मा बिस्मिका मुझ तो आई। गुड नाइट मामा। गुड नाइट रबिया। गुड नाइट मामा। क्या है दिनी? सर्दी है ना? चलो सो जाओ। मैं शैतान ने रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मुल्क यौम दीन या कना बदो या कना सईन हेदिन सिरातो मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ومك لا شريك لك اللهم بسمك أموت وأحيا. Good night, mama. Good night.